अभी हैदराबाद की हार हजम भी नहीं हुई थी कि टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लग गया। एक स्टार ऑलराउंडर, स्टार प्लेयर न सिर्फ मैच बल्कि अब खबरें आ रही हैं कि वो पूरी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज से बाहर हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं रविंद्र जडेजा की। वो रविंद्र जडेजा जो कि जब इंडिया में खेलते हैं तो कुछ ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं, जिन्होंने पिछले 5 साल में टीम इंडिया के लिए अपने आप को एक बड़ा एसेट बना लिया है। वो रविंद्र जडेजा जो नंबर 1 ऑलराउंडर हैं दुनिया के, वो रविंद्र जडेजा अब न सिर्फ और सिर्फ सेकेंड टेस्ट से जो कि वाइजैग में खेला जाएगा 2 फरवरी से, बल्कि इस पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं। दरअसल एनसीए की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स से आ रही हैं, जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उनकी इंजरी थोड़ी सी ज्यादा है और न सिर्फ सेकेंड टेस्ट मैच बल्कि वो इस पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं। इंडिया के लिए बड़ा झटका ही क्यों है, इसलिए क्योंकि जो पहला टेस्ट जिसमें इंडिया हार गई थी, उस टेस्ट मैच में भी रविंद्र जडेजा ने पहले आते ही 3 विकेट झटके थे अपनी बॉलिंग से। 4.8 की इकोनॉमी थी, 4 ओवर उन्होंने मेड इन डाले थे, 3 विकेट उन्होंने झटके थे। जब बल्ले से नंबर आया तो 180 बॉल में 87 रन जड़े, वो 87 रन जिन्होंने टीम इंडिया की जो लीड थी उसको न सिर्फ एक्सटेंड किया बल्कि इस यकीन भी दिलाया कि अब आप मैच जीत सकते हैं इनिंग से। ये बात दूसरी थी कि साउथ इंग्लैंड ने बहुत शानदार कम वापसी की, बहुत शानदार बेन स्टोक्स की कैप्टनसी हमने सेकेंड इनिंग में देखी। जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो इंडिया टेस्ट मैच हार गई, वो हैदराबाद में पहली बार हार हुई थी और उस हार का गम अभी हजम भी नहीं होता कि एक और झटका लग गया, क्योंकि जब बल्ले से उतरे तो 87 रन मारे थे, 2 छक्के और 7 चौके लगाए थे। उसके बाद जब बॉलिंग करने दोबारा आए तो फिर 2 विकेट झटके, फिर इकॉनमी 3.8 की रही, 1 मेड इन डाला, बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए थे क्योंकि रन आउट हो गए थे बेन स्टोक्स की कमाल की फील्डिंग के चलते, कमाल की फील्डिंग, वरना बल्ले से वहां पर भी रन आते। तो ऐसे में ये तो सिर्फ पहला जो टेस्ट मैच था उसका रिकॉर्ड है जिसके बेस पे मैं कह रहा हूं कि टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है, लेकिन जब आप इंग्लैंड के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो फिर आप कहेंगे ये तो दोस्त बहुत बड़ा झटका है। इंग्लैंड के अगेंस्ट अब तक 17 मैच खेले हैं, 888 रन बनाए हैं, 104 हाईएस्ट है। इंग्लैंड के अगेंस्ट रविंद्र जडेजा का एवरेज 32 से ऊपर का है और स्ट्राइक रेट 52 से ऊपर का, टेस्ट क्रिकेट में 52 से ऊपर का स्ट्राइक रेट ही खिलाड़ी रखता है इंग्लैंड के अगेंस्ट। ऐसे में एक बड़ा झटका है। अगर आप विकेट का कॉलम देखेंगे, बॉलिंग का कॉलम देखेंगे तो 25 विकेट अब तक इंग्लैंड के झटक चुके हैं, ये 7 विकेट एक इनिंग में लेकर इनका बेस्ट था और मैच में 10 विकेट लिए हैं, इनके बेस्ट फिगर इनकी जो है, और 36 का एवरेज है, 2.5 की इकॉनमी है। ऐसे में अब आप कहेंगे कि वाकई में इंग्लैंड के लिए ये बहुत बड़ा फायदा है अगर रविंद्र जडेजा बाहर होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान इंडिया के लिए। ये तो सिर्फ वो आंकड़े थे जो आपको मिल जाते हैं, इसके अलावा रविंद्र जडेजा वो खिलाड़ी हैं जो गन फील्डर हैं, इंडिया के बेस्ट फील्डर्स में से एक हैं, जो आपके फील्ड पे 25 से 30 रन लगभग बड़ी आराम से बचा लेते हैं। टेस्ट मैच की बात करूं तो बहुत बहुत रन बचा जाते हैं ये। ऐसे में रविंद्र जडेजा का ना होना बहुत बड़ा झटका, हालांकि सौरभ कुमार या फिर वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों में से कोई एक इनकी जगह खेलेगा। वॉशिंगटन सुंदर एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है जो कि इनको रिप्लेस कर सकते हैं, पर वही रिप्लेसमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, और रविंद्र जडेजा का लॉस होना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में टीम इंडिया जिसमें ऑलरेडी विराट कोहली नहीं है, केएल राहुल नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, वो रविंद्र जडेजा के जाने से और ज्यादा कमजोर हो जाती है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।